नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार। आज हम इस तिरंगे के रंग के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। ये तिरंगे के जो ये तीनों कलर हैं, ये बहुत अलग अलग अपने अंदाज में तीनों कलर अपना अपना गुण बतलाते हैं। जो इसके बीच में चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं दोस्तों, ये भी अपना गुण बतलाता है। तो चलिए बात करते हैं तीनों कलर को इस तिरंगे के। ये जो केसरिया कलर है, जो सबसे ऊपर दोस्तों एक केसरिया कलर हमें साहस और बलिदान का ये प्रतीक है, जो हमें साहस और बलिदान की गुण हमें सिखलाती है। जो ये सफेद कलर है बीच में दोस्तों, ये सफेद कलर हमें शांति का प्रतीक है, शांति और भाईचारा का प्रतीक है सफेद कलर। और ये जो ग्रीन कलर, ये हरा जो कलर है सबसे नीचे, वो ग्रीन कलर हमें बतलाती है संपन्नता का प्रतीक है, जो अच्छे से संपन्नता और विश्वास का प्रतीक है दोस्तों। अब ये जो चक्र है, ये जो चक्र है, इसको पहले यहाँ इसके पहले 22 जुलाई 1947 के पहले हम लोग इसे चरखा के रूप में यहाँ सबको इस्टेब्लिश किए थे, पर यहाँ 22 जुलाई 1947 को दोस्तों चरखा को हटाकर अशोक चक्र को बीच में यहाँ लाया गया था, जिसे प्रतीक के बनाती है। इसमें 24 तिलियां होती है, ये 24 तिलियां मनुष्य की 24 गुण को बतलाती है दोस्तों। जो ये तीनों मिलकर इसे इस तिरंगे को हमें राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को हम लोग स्वीकार इसे किए थे, अपनाए थे हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो तीनों रंग हमने बताया है, तीनों रंग मिलकर एक हमें क्या स्वाभिमान का प्रतीक बनती है। ये हमारा आन बान शान है, हमारे देश का ये झंडा दोस्तों। ये जो तीनों कलर और जो चक्र अशोक चक्र के बारे में बताए, तीनों सभी का कॉम्बिनेशन मिला दीजिए तो हमें स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया है ये झंडा। हमारे देश की स्वाभिमान है झंडा, आन बान शान है। देखने के लिए दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार, जय हिंद जय भारत, जय हिंद दोस्तों।